अगर आप पिंपल्स और उनसे होने वाले डार्क स्पॉट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम आपको रूट कॉज के बारे में बताएंगे कि आखिर पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स होते क्यों हैं, और साथ ही जानेंगे इसका सटीक इलाज कि कैसे हम पिंपल्स और डार्क स्पॉट से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं, इन्हें परमानेंटली कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं कि पिम्पल्स होने का रूट कॉज क्या है, क्या जड़ है पिंपल्स होने की। पिंपल्स होने का जो रूट कॉज है, जो असली कारण है, वो है स्किन पोर्स का ब्लॉक हो जाना और सेबेसियस ग्लैंड का हाइपर एक्टिव हो जाना। इसको सिंपल भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब है कि हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो स्किन होती है, उसमें बारीक बारीक रोम छिद्र होते हैं, और उन रोम छिद्र के अंदर, उन छेदों के अंदर एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जिसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड, जो कि सीबम को प्रोड्यूस करती है। सीबम मतलब होता है वो ऑयल जो कि हमारी त्वचा से बाहर आता है। कई बार आपने देखा होगा आपकी स्किन के बाहर ऑयल आ जाता है, वो ऑयल कहाँ से आता है, उन सेबेसियस ग्लैंड से, जो कि आपकी स्किन के पोर्स के अंदर है। और जब वो ऑयल प्रोड्यूसिंग सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी में पेट की खराबी हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वजह से अगर वो सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में ऑयल को प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा मात्रा में सीबम को प्रोड्यूस करती है। और कई बार डेड सेल्स, जो हमारी स्किन के डेड सेल्स होते हैं, जो बाहर की गंदगी होती है, जैसे कि धूल धक्कड़ कुछ भी, तो जब वो उस ऑयल के साथ डेड सेल्स और जो बाहर की डस्ट मिल जाती है, तो वो एक क्लॉट नुमा बना देती है, और हमारा जो स्किन का पोर है, स्किन का जो छेद है, उसे वो ढक देती है, उसे वो ब्लॉक कर देती है। तो जो सीबम हमारी स्किन से बाहर आना था, वो बाहर नहीं आ पाता, और उसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन कर देता है हमारी स्किन के ऊपर, जिसे हम पिंपल बोलते हैं, जो कि उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि सीबम अंदर बन तो रहा है, वो जो ऑयल है वो स्किन के अंदर बन तो रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा ब्लॉकेज की वजह से। तो ये कारण होता है ये पिंपल्स हो जाने का। तो चलिए अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम पिंपल्स का परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो सबसे ज़्यादा कारगर है पिंपल्स को रिमूव करने के लिए। उसमें आपको बहुत सामान्य से इंग्रेडिएंट चाहिए, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये जो रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए एलम, जिसे हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, ये पानी साफ़ करने में भी काम आती है। तो एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का आप लीजिए, इसका पाउडर आप बना लीजिए, चाहे तो ओखली में कूट कर इसका पाउडर बना लीजिए, या मिक्सी में पीस कर आप इसका पाउडर बना सकते हैं। थोड़ा सा पाउडर आपको लेना है एक कटोरी में फिटकरी का, और थोड़ा पाउडर आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी का। जो मुल्तानी मिट्टी होती है येलो कलर की, आपको या तो कहीं भी आसपास मिल जाएगी, या फिर किसी भी पंसारी शॉप पे वो आपको इजीली मिल जाएगी, किसी पंसारी या आयुर्वेदिक शॉप पे इजीली मिल जाती हैं। तो थोड़ा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लीजिए, थोड़ा सा आप ले लीजिए फिटकरी का पाउडर, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसका पेस्ट नुमा बना लीजिए, और अपने चेहरे पर जहाँ जहाँ पिंपल्स हो रहे हैं, या पूरे चेहरे पर इसको आप पूरी लगा लीजिए, और लगभग 15-20 मिनट तक इसको अपने चेहरे पर लगा रहने दीजिए। और फिर उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लीजिए। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह की रेमेडी आजमाते हैं, तो आपके पिंपल्स धीरे धीरे करके पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, और जो आपके जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाएंगे, स्किन पर एक अलग ही ग्लो आएगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल आपके फेस पर जमा हो जाता है वो कम जमा होगा, और आपको पिंपल्स की समस्या का सामना बाद में भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको दिन में
कम से कम 2 बार फेस वॉश ज़रूर करना है, एक सुबह और एक शाम को। इससे होता यह है कि स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा जो ऑयल आपकी स्किन पर जमा होता है वो निकल जाता है, जो कि रूट कॉज है पिंपल्स होने का। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये 2 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पिंपल्स होने की समस्या का सामना फिर नहीं करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई पिंपल्स के बारे में, अब जानते हैं डार्क स्पॉट्स के सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि जब भी पिंपल जाता है तो वो एक डार्क स्पॉट ज़रूर छोड़ जाता है और वो डार्क स्पॉट्स काफ़ी दिनों तक रहता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क स्पॉट्स को कैसे हटाएं तो अब इस बातों को ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जानते हैं कि कारण क्या है डार्क स्पॉट होने का। डार्क स्पॉट होने का कारण है हाइपर पिगमेंटेशन या मेलानिन का ज़्यादा सीक्रेट हो जाना, क्योंकि जब भी पिंपल होता है तो वो एक तरह का घाव है हमारी बॉडी के लिए। तो बॉडी जब उसको भरेगी, स्किन जब वापस से उसको रिकवर करेगी, तो उस टाइम पे एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जिसे मेलानिन कहा जाता है, जो कि हमारे स्किन के कलर के लिए, हमारे हेयर्स के कलर के लिए, हमारी आँखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कलर जो है वापस से उस स्किन पर आना है। अब जब वो घाव भर रहा होता है तो उस टाइम पे उस स्किन के पार्ट पे जहाँ पर वो पिंपल हुआ है वहाँ पर वो पिगमेंट ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और उसकी वजह से वो डार्क एरिया दिखने लगता है, जिसे हम बोलते हैं डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो जाना। तो ये कुल मिला के प्रॉब्लम हो रही है हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से, ज़्यादा मेलानिन सिक्रेट होने की वजह से। तो अब इसका कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए कुछ बेस्ट होम रेमेडीज़ हैं जिसे आप घर पर आज़मा सकते हैं और बहुत ईजिली इनसे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। सबसे पहली होम रेमेडी है जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो है ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू को मिला करके एक सीरम बनाने की। जिसमें करना क्या है आपको कि आपको 2 चम्मच लेना है ग्लिसरीन, 1 चम्मच गुलाब जल और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नींबू का रस। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और रात को सोते वक्त अपने चेहरे पर इसको मसाज करके आपको सो जाना है और सुबह उठकर इसको आपको धो लेना है। इससे आपकी स्किन पर भी ग्लो आएगा और धीरे धीरे जो डार्क स्पॉट्स आपके हैं वो कम होने लग जाएंगे, फेड होने लग जाएंगे और एक टाइम आएगा कि वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरी चीज़ जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एलोवेरा जेल और हल्दी पाउडर। एलोवेरा जेल को आप थोड़ा सा कटोरी में लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप मिला लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने फेस पर लगाकर रात को आप सो जाइए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि हल्दी की वजह से आपके बिस्तर ख़राब हो सकते हैं, तो किसी भी तरह का जो रफ़ क्लॉथ होता है, जो साफ तो हो लेकिन आपके काम का ना हो, तो उसको तकिए के ऊपर रख कर सोएं ताकि आपके तकिए और जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा के नाम से जानते हैं, खाना बनाने का वाला सोडा, तो उसको आप थोड़ा सा लीजिए और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसका पेस्ट नुमा बना लीजिए और अपने डार्क स्पॉट्स पर आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं इसे। आप अपने डार्क स्पॉट वाले एरिया पर इस बेकिंग सोडा वाले को लगाइए, 15 से 20 मिनट रखिए और उसके बाद इसको धो लीजिए। हफ्ते में अगर आप इसको 2 से 3 बार आजमाते हैं तो आपके डार्क स्पॉट्स फेड होने लगेंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा आप बटर मिल्क यानी कि छाछ ले सकते हैं। छाछ में थोड़ा सा नींबू मिलाकर उसे भी अपने डार्क स्पॉट एरिया वाले एरिया पे लगा सकते हैं और 10-15 मिनट रखने के बाद उससे भी धो सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के होता यह है कि जब हाइपर पिगमेंटेशन होता है तो ज़्यादा पिगमेंट आ गया है उस एरिया पर, तो इन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनसे होगा ये कि आपका जो डार्क स्पॉट एरिया है वो धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा, जो स्किन वहाँ की है वो धीरे धीरे करके निकलने लगेगी और आपका जो डार्क स्पॉट है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें डार्क स्पॉट हटाने के लिए भी एक चीज़ का ख्याल रखें कि दिन में 2 बार कम से कम फेस वॉश ज़रूर करें ताकि जो डेड स्किन है वो निकलती जाए और आपको जल्दी से जल्दी अच्छा रिजल्ट मिल सके। और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें भी आपको आजमाना ज़रूरी है। सबसे पहला लाइफस्टाइल चेंज ये कि कभी भी पिंपल हो जाएं तो उसे फोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप पिंपल को फोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है और पिंपल
अगर आप फोड़ते हैं तो उसकी वजह से डार्क स्पॉट्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, स्कार्स आपको हो सकते हैं यानी कि स्किन के ऊपर गड्ढे आपको हो सकते हैं, तो पिंपल को कभी भी आपको फोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़, दिन सोना आपको पूरी तरह है यानी कि कम से कम 7-8 घंटे 9 घंटे के लिए आपको अच्छे से सोना है, क्योंकि स्किन आपकी रिपेयर होती है सोने के टाइम पर, हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है सोते वक्त, तो आपको नींद ज़रूर पूरी करनी है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आपको पेट साफ करने की बहुत ज़रूरत है। रात को एटलीस्ट 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ ज़रूर लें, गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट साफ रहेगा। और साथ ही बाहर कभी भी जाएं धूप में तो सनस्क्रीन लगाकर जाएं, ताकि आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स ना आए और आपकी स्किन टैन ना हो जाए। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी पिंपल्स और डार्क स्पॉट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए,